बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय अंजलि क्लासेस में। और आज मैं सत्य और अहिंसा के पुजारी यानी महात्मा गांधी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो अगर आप मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे एक छोटे से बेल आइकन होगी उसे भी दबा लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए हम जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में, और मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी जो आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भी मालूम है। तो आइए हम लोग गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर काठियावाड़ में हुआ था। 1888 में वो हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं और 3 साल बाद वो बैरिस्टर बन के वापस इंडिया आते हैं। लेकिन क्या होता है कि 1893 में फिर से उन्हें साउथ अफ्रीका उन्हें जाना पड़ता है। साउथ अफ्रीका जाते हैं एक केस के सिलसिले में, और 1915 में क्या होता है कि वो वापस आ जाते हैं इंडिया। फिर 1917 से लेके 1918 के बीच में वो इंडिया में 3 आंदोलन करते हैं, और जिसकी शुरुआत वो चंपारण सत्याग्रह से करते हैं, उसके बाद वो अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक करते हैं और फिर खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। और इन तीनों में की घटनाओं से, यानी कि इन तीनों में गांधी जी को बहुत ही सफलता मिलती है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। तो ये बहुत ज़्यादा इंडिया में पहले तो फेमस थे ही, और भी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। फिर 1917 से लेके 1947 तक का जो समय है इसे गांधी एरा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय में, इस टाइम के बीच में गांधी जी ने क्या किया था, बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट्स वगैरह में। फिर 30 जनवरी 1948 को क्या होता है कि नाथूराम गोडसे उन्हें प्रार्थना सभा में गोली से मार देते हैं, और गांधी जी के मुंह से बस इतना ही निकल पाता था, हे राम। उनके जो लास्ट शब्द थे वह था हे राम। देखिए, जो पॉलिटिकल थिंकर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे या फिर उत्तर प्रदेश का जो भी एग्ज़ाम हुआ है इसके पहले टीजीटी का, तो सब में आप देखेंगे कि तीन ही चीज़ों को पूछा जाता है। एक तो राइटर बुक को पूछा जाता है, दूसरा स्टेटमेंट को पूछा जाता है, और तीसरा जो है सिद्धांत को पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया है। तो हमारा जो फोकस रहेगा बस उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा रहेगा। तो आइए जान लेते हैं थोड़ी बहुत इनके वर्क के बारे में भी। तो जो इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ गांधी जी था वह था हिंद स्वराज। इन्होंने हिंद स्वराज लिखा। नेक्स्ट लिखा इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और नॉन वायलेंस इन पीस इन वॉर, नॉन वायलेंस इन पीस एंड वॉर, ये भी इन्होंने लिखा है। इंडियन ओपिनियन भी इनकी रचना है और यंग इंडिया भी इनकी रचनाएं हैं। देखिए, गांधी जी जो हैं वो हमेशा ही सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे हैं। गांधी जी अहिंसा के बारे में बताते हैं कि अहिंसा यानी कि हिंसा का नहीं करना ही क्या है, वो अहिंसा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि एक उनका बहुत ही फेमस थिंग है, फेमस लाइन बोला है कि वह धर्म को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। उनका ऐसा कहना था कि धर्म के बिना जो है राजनीति क्या है वह पाप है। और अहिंसा के बारे में इन्होंने बताया है कि अहिंसा जो है एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है हिंसा या फिर हत्या ना करना, यानी कि किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना। फिर वो अहिंसा के 3 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, जिसे आप रूप भी कह सकते हैं। तो पहला जो है वह जागृत अहिंसा, और दूसरा है औचित्यपूर्ण अहिंसा, और तीसरा है कायरों की अहिंसा। देखिए, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ये इन दोनों पे ज़्यादा आता है, जागृत अहिंसा पे और फिर औचित्यपूर्ण अहिंसा से, क्योंकि कायरों की अहिंसा का मतलब तो इसे इसी के नाम से ही पता चल जाता है। इसलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो जागृत अहिंसा है वो क्या है। देखिए, जागृत अहिंसा जो है सबल व्यक्ति या फिर शक्ति संपन्न व्यक्ति इसे अंतरात्मा से अपनाते हैं तथा तनिक भी बल प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि जागृत हिंसा जो है यह वीर पुरुषों की हिंसा है, क्योंकि ये शक्तिशाली होते हुए भी किसी पर शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं और स्वेच्छा से अहिंसा के धर्म का पालन करते हैं। तो ये अहिंसा का जो अवस्था है उसे क्या कहा है, जागृत अहिंसा।
दूसरा है औचित्यपूर्ण अहिंसा। औचित्यपूर्ण अहिंसा जो है यह निर्बल व्यक्तियों, असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध है। यानी कि जो निर्बल व्यक्ति हैं, जो असहाय व्यक्ति हैं, उनका नैतिक विश्वास नहीं होता अहिंसा पर। मतलब नैतिक विश्वास के कारण वो अहिंसा को नहीं अपनाते हैं, बल्कि अपनी निर्बलता के कारण, अपनी मजबूरी के कारण, अपनी असहाय स्थिति के कारण क्या करते हैं, अहिंसा को अपना लेते हैं। तो ऐसी अहिंसा क्या कहलाती है, औचित्यपूर्ण अहिंसा। तीसरा जो है वह है कायरों की अहिंसा। गांधी जी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर के मारे, यानी कि स्वभाव से वो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, और वो लोग इसे एक अस्त्र बनाकर अहिंसा को अपना लेते हैं। यानी कि डर से, डर के कारण वो अहिंसा को अपना लेते हैं, उनका कोई अहिंसा में विश्वास नहीं होता है। अब गांधी जी ने बताया है कि अहिंसा की आखिर क्या कार्य प्रणाली होनी चाहिए, उसके बारे में भी इन्होंने बताया है और उनके कुछ गुण भी बताए हैं। जैसे उन्होंने बताया है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सत्याग्रह के बारे में जानेंगे कि सत्याग्रह आखिर है क्या और उसका क्या गुण है। तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का, असत्य पर आग्रह करते हुए अत्याचारी का विरोध करना। यानी आप आग्रह तो करिए लेकिन सत्य पर रह के आग्रह करना है और अत्याचारी का विरोध करना है। आपने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सहनशील बने रहना है, यानी आप में सहनशीलता होनी चाहिए ताकि आप जो आपके विरोधी हैं उनके गुस्से को आप बर्दाश्त कर सकें, उनके रोष को आप बर्दाश्त कर सकें। और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आपके मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि उसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं भी इसके साथ बुरा करूंगा, ये सत्याग्रही का गुण नहीं है। तो वो बोलते हैं कि सत्याग्रही में यह गुण होना चाहिए कि उसमें बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट ये गुण बताते हैं, वो बताते हैं कि अपमान ना करना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया है तो आप उसका अपमान नहीं करेंगे। फिर उन्होंने सत्याग्रह के विभिन्न रूपों के बारे में बताया है। पहला उन्होंने बताया है असहयोग, इसे आप साधन भी कह सकते हैं। लेकिन जो तीन उन्होंने मुख्य रूप के बारे में बताया गया, सत्याग्रह के तीन रूप हैं। पहला है असहयोग, दूसरा है सविनय अवज्ञा और तीसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। और सत्याग्रह के उन्होंने कुछ साधन भी बताए हैं। तो जो आपने रूप देखा, असहयोग और सविनय अवज्ञा और व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये भी क्या है, उनके साधनों में से महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा इन्होंने सत्याग्रह के लिए कुछ और भी साधन बताए हैं, जैसे है उपवास यानी फास्टिंग करना, हिजरत। हिजरत का मतलब होता है कि जब सत्याग्रही के साथ, सत्याग्रही को ऐसा महसूस हो कि कहीं पर शासक द्वारा उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, उनका रहना भी वहाँ पे रुसवार हो गया है, असहाय हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, सत्याग्रही को अपना स्थान छोड़ देना चाहिए, यानी उस देश का त्याग कर देना चाहिए। तो इसे ही गांधी जी ने बोला है हिजरत, और ये एक सत्याग्रही का साधन बताया इन्होंने, सत्याग्रह का साधन। और इसके अन्य जो साधन है वह है हड़ताल करना, वो आपको मालूम है कि हड़ताल करने मतलब क्या होता है, और धरना प्रदर्शन भी इसका एक प्रमुख साधन है। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही रहने देती हूँ। फिर गांधी जी के सेकंड पार्ट में जो इनका आदर्श राज्य है उनके बारे में मैं बताऊंगी, और गांधी जी के क्या आर्थिक विचार हैं उन्हें भी मैं स्पष्ट करूंगी। तो देखते रहिए इसे और अपनी स्टडी को जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग टू मी।